ये है हाथरस का वही गांव जहां पर 14 सितंबर को बर्बर घटना को अंजाम दिया ठाकुरों के कुछ बच्चों ने। और यहीं पर बसता है वह गांव, उस गांव में वह परिवार जो 14 सितंबर से लेकर अब तक ठाकुरों की पूरी दबंगई को झेलते हुए बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। वह मांग कर रहा है न्याय की, वह मांग कर रहा है कि उसकी बेटी तो मारी गई लेकिन किसी और बेटी के साथ ऐसी नाइंसाफी ना हो। यही सब बनाना चाहते हैं कि ये सब कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब घर वाले ये हम लोगों को फंसा रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं लोग। पंचायत हो रही है, वो बचा रहे हैं, बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे अपने आरोपी पक्ष को बचाया जाए। 30 तारीख तक कोई लेटर, कोई लव लेटर, कोई प्रेम ऐसा कुछ नहीं था। और उनके मरने के बाद में वो उसे उनसे प्यार करने लगा, सब कुछ उसी दिन से शुरू हो गया। न्यूज़ क्लिक की तरफ से इस समय हम पहुंचे हैं हाथरस बलात्कार पीड़िता के घर, और यहां पहुंचने तक हमें यह अंदाज़ा हुआ कि यह पूरा इलाका भीषण तनाव में है। दुख तो बिटिया का सबसे ज़्यादा था, और जो दरिंदों ने उसके संग में दरिंदगी की वो तो दुख था ही, पर उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने भी हमारे साथ में बहुत बड़ी अत्याचार किया, जो कि हमारी बेटी को न तो अंतिम मुख यात्रा करने दी न कोई अंतिम संस्कार करने दिया, तो इससे ज्यादा बड़ा दुख और क्या हो सकता है। आधे घंटे बना रहे हर तरीका से, रोज एक न एक अफवाह लेके आते हैं, कभी कुछ हर तरीका से रोज एक न एक उनके तरफ से टॉपिक आता है। और भी तो बहन बेटियाँ पूरी तरह से मतलब कि बचाव के चक्कर में घूम रहे हैं, पर हम तो उसी पटे हो जो हमारी बहन के साथ जो जिस तरह से घटना ग्रह हम तो उससे अलग कुछ बात तो कर ही नहीं रहे, ये लोग अपने अपने सब कुछ बदल रहे हैं। आपकी बहन ने दो दो बार बयान कैमरे पर दिए? जी हाँ, एक जगह वो बेहोश हो गई थी ना, बोलते हुए एक जगह बेहोश हो गई थी, लेकिन उन्होंने तमाम आरोपियों के नाम लिए हैं। नाम लिए और रेप भी बताया गया कि इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, क्योंकि वो सब बात ही मम्मी को उन्होंने जब होश आया था उन्हें अच्छे से जब थोड़ा सही से रिलैक्स फील करेंगे उस टाइम उन्होंने सब बताया मम्मी के। आप भी गए थे उनको लेकर थाने पर? जी मैं ही गया था। क्या स्थिति थी उस समय आपकी बहन की? स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही थी मतलब, और उसके जो दुपट्टे उसको गला घोटा गया, दबाया गया, उसके पूरे निशान थे, उसके जीभ से ब्लड निकल रहा था, पूरा कटी हुई थी जीभ, हाँ, और जो आँखों में उसके पूरे ब्लड था। आँखों में? हाँ जी, जब हाथरस अलीगढ़ ले गए तो खून की उल्टी, खून की उल्टी वहाँ पर हाथरस जो हम ले गए थे उसको, जो हॉस्पिटल में दो उल्टी उसकी हुई, फिर आगे रास्ते में भी हुई थी इसको। पुलिस ने जिस समय आप थाने में ले गए, पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने कुछ नहीं कहा, जो आपके साथ जो कुछ हुआ आप उस पर जो समझ आ रहा है वो लिख के जो 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 आपको पता है उससे लिखिए, मेरे को आता नहीं कुछ लिखना, इन्हें जो आपको पता है जिस तरह से आपको पता होगा उस हिसाब से लिखिए। तो मैंने अपने सादा कागज पे तेरी सी दे के चला गया मैं, फिर उन्होंने पता नहीं क्या करा हो, उसके पता नहीं है, कब रिपोर्ट दर्ज करी है। पंचायत हो रही है, वो बचा रहे हैं, बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे अपने आरोपी पक्ष को बचाया जाए, पर हमारी तो सच्चाई है और हमारे साथ में जो घटना है हमने तो सही सही बताई है, इन प्लानिंग करके सब कुछ बताई है, और ये लोग तो अपने अपने प्लानिंग से के साथ में जगह जगह पे क्या कहते हैं वो करके मतलब ये अपने वो कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। वो यही सब बनाना चाहते हैं कि ये सब कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब घर वाले ये हम लोगों को फंसा रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं लोग। मगर जो जिस लड़की ने इतना सहा है 14-15 दिन तक, जिस दर्द को हमने महसूस किया, जैसे वो मरी है, वो तो वही समझ सकती है ना कि कौन से दौर से गुजर के गई है। वो जो जीने की एक आस थी उनमें कि मैं जीना चाहती हूँ, मम्मी मुझे घर लेके चल, उसे हमेशा के लिए उनकी आवाज़ को बंद कर दिया। फिर उसके बाद में उनकी बॉडी लेके आते, वो भी रास्ते में से गायब कर देते दिल्ली से, पापा और उनके भाई को भी नहीं दिखाते ये तुम्हारी बेटी है या कौन कोई दूसरी है, फिर उसको रात में ला के उन्हें जला देते हैं। तो ये सब सोची समझी एक साधे से है ना, कि ना सबूत रहेगा ना ये लोग कुछ कर पाएंगे।
उन्होंने सबसे पहले आप ही को बताया था कि क्या हुआ उनके साथ? और वो सारे नाम उन्होंने आपको भी बताया और फिर बाद में पुलिस को भी बताया? पुलिस को उन्होंने साफ साफ बताया था? आपने भी उसी समय पुलिस को बता दिए थे सारे नाम? मैं तो बाहर निकाल दी, तुम बाहर जाओ, लड़की से बात करी इधर, मैं तो बाहर निकाल दी। बात करने आते लड़की से तो मुझे बाहर निकाल दिया, तो कॉटन करी सब सब बोली। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए कि वो लगातार ये बोल रहे हैं कि दोनों, अभी लेटर आया, उसके पहले कुछ और आया, पहले कुछ और आया, 30 तारीख से लेकर अब तक बहुत कहानियां आ गई, 14 तारीख से लेकर 29 तारीख तक कोई लेटर, कोई लव लेटर, कोई प्रेम, ऐसा कुछ नहीं था। और उनके मरने के बाद में वो उसे उनसे प्यार करने लगा, सब कुछ उसी दिन से शुरू हो गया, क्योंकि अब कुछ बचने का कुछ उपाय नहीं मिला, तो सोचा कि ये सब उपाय अच्छे हैं, मोबाइल को लेके ऐसी बातें की गई, अब लेटर लिख लिख के भेज रहे हैं जेल से, उन्हें इतनी सुविधा मिल रही है कि जेल से लेटर लिख के आ रहे हैं, उनसे कुछ मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्हें टॉर्चर नाम की चीज़ हुई नहीं है, जो उन्हें परेशानी महसूस हो, किसी का दर्द समझ सके कि हाँ किसी को उन्होंने परेशान किया है, क्योंकि वो रिश्तेदार लोगों की तरह उस जेल में उनकी सेवा की जा रही है मेरे हिसाब से। इतने दिन तक आपकी जो घर की लड़की है वो अस्पताल में लड़ रही थी, गांव से कोई मदद मिली है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं घर पे थी तो घर पे भी किसी ने ये नहीं पूछा गांव से आके कि तुम्हारे घर में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसी ने ये सब पूछने की कोशिश भी नहीं की। और हॉस्पिटल में क्या मदद करेंगे, वो खुद एक अब जो देखने नहीं गया, अब वो नई नई कहानियां बना के दिखा रहे हैं कि ऐसे था वैसा था एकदम, तो वो देखने क्या जाते। थोड़ा उनका बोलना शुरू हो पाया था? हाँ, बोलते, खाना भी खाते, बिस्कुट आटो रो बिस्कुट खा लेते, वाना माँ जारी का वेंटिलेटर पर, तो मैं तो बड़ा सेव खवा के आई हूँ, आटो बिस्कुट खा ले, फिर थोड़ा सा दरिया खा लो, मम्मी ठीक हो जाए, मम्मी ऐसा करिए भाभी बोल दिए तेल तेल ले आ, मेरी मालिश करते करे, मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक है बेटा, मैं भाभी से बोल दूँ, मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो तुम घर, अरे भाभी भाभी कहते रहती, भाभी लली कहाँ कर रही हो, मैं सब ठीक है। मीडिया ने एक तरह से पूरा मोर्चा खोल रखा है पीड़िता के परिवार के खिलाफ। अब पीड़िता की भाभी को लेकर अलग अलग थ्योरी स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं। यही मीडिया अभी तक यह नहीं बता पाया, न उसने कोई स्टिंग ऑपरेशन डीएम या पुलिस अधिकारियों पे किया कि आखिर क्या वजह थी कि रात के अंधेरे में बलात्कार पीड़िता की लाश को पेट्रोल डालकर पुलिस ने यूं जलाया। जिस तरह के सवाल जवाब मीडिया कर्मी वहां परिवार वालों से कर रहे हैं, उन सवालों को सुनकर भी उनकी नीयत पर संदेह होता है। वे घेरने चाहते हैं, वे चाहते हैं कि पीड़िता परिवार किसी भी दबाव में आकर या तो नार्को टेस्ट के लिए कुछ बोले, या फिर उनके पक्ष में जो लोग खड़े हुए हैं उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दे। देखो, हमारी बच्ची के जो घटना हो गई हमारे बच्ची के साथ तो हो गई, पर अब हमारी देश की बच्ची हमारी है, सारी बच्ची अच्छे से जिए, बच्ची अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें और अच्छे से खुल के रहें, बच्ची हम तो बच्चियों के लिए अपना न्याय मांग रहे हैं, सरकार हमें जरूर न्याय दे। एक चीज़ आपसे जाननी थी कि अभी गांव में जो बाकी दबंग जातियां हैं उनकी पंचायतें चल रही हैं, तो उससे कितने वाल्मीकि घर हैं आपके यहाँ? चार घर हैं हमारे, चार ही घर हैं बस। और क्या काम करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर वही खेती क्यारी का, अपना घास लाना, अपना भैंस गाय पालना और अपने परिवार में दूध वूध बेच के अपना परिवार चलाना, ये काम है, कोई नौकरी धंधा तो किसी पर नहीं। लड़की के घर में भी किसी के पास नहीं? नहीं नहीं, नौकरी किसी के पास नहीं।
तो अभी तो फिर काम धंधा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो गाँव वाले ना कि जब तो जी पुलिस और जी पुलिस और जी सब पर ही अगर इतना डर लग रहा हो कि गाँव गाँव पंचायत लग रही है तो कभी भी कुछ हमला कर सकते हैं गाँव वाले को, डर तो लग ही रहा है इसीलिए। हाथरस का ये गाँव देश के तमाम गाँव की तरह है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के तमाम गाँव की छाप यहाँ दिखाई देती है। जातिगत समीकरण इस गाँव का ठाकुरों और दबंग जातियों के पक्ष में है। परिवार पर पूरा का पूरा दबाव पड़ रहा है कि वह इंसाफ की अपनी लड़ाई आधे में ही छोड़ दे, लेकिन परिवार दृढ़ प्रतिज्ञ है। उसकी रीढ़ की हड्डी हमारे आपके मीडिया और बाकी लोकतंत्र के खंभों की तरह टेढ़ी या झुकी हुई नहीं है। वह चाहता है कि सिर्फ उसकी ही बेटी नहीं, भारत की किसी भी बेटी, किसी भी दलित बेटी के साथ इस तरह की नाइंसाफी ना हो। और शायद वह समझ रहा है कि अगर इस बार उसने अपनी इंसाफ की लड़ाई छोड़ दी तो शायद किसी को भी इस तरह से इंसाफ नहीं मिल पाएगा। यहाँ से ही दूसरे ढंग की इंसाफ की लड़ाई भी अभी तक जारी है और शायद यही वजह है कि यह परिवार बार बार पूरे देश के परिवारों से अपील कर रहा है कि वह न्याय की लड़ाई में उनका साथ दें।